पिछले कुछ सालों में प्यूबर्टी का इंसिडेंस बहुत बढ़ गया है जिसकी वजह से गर्ल्स और उनके पेरेंट्स में काफी टेंशन देखा गया है आज जानते हैं इसके बारे में इन एपिसोड नंबर 22 ऑफ द सीरीज ईट हेल्दी विद आई आई एम डॉक्टर देवेंद्र डांगर दीरीज इट हेल्थी विथ विटाम प्यूबर्टी यानी बच्चों में यौवन के लक्षण दिखना जैसे ब्रेस्ट डेवलपमेंट ग्रोथ स्पर्ट मेन्सिस एक्सेट्रा लड़कियों में नॉर्मली इसकी एज दस से बारह साल की होती है और जब ये लक्षण आठ साल से पहले दिखे तब इसे प्रिकोशियस प्यूबर्टी कहा जाता है इसके बढ़ते हुए और उनकी हाइट कम रह जाती है अब जानते हैं जंक फूड प्रोसेस फूड और एक्सेस शुगर कंजप्शन की वजह से बच्चों में वेट गेन ज्यादा होता है हाई फैट की वजह से लेप्टिन और दूसरे हॉर्मोन्स के लेवल बढ़ जाते हैं और प्रीकोशियस प्यूबर्टी का रिस्क भी नंबर टू इस एंडोक्राइन डिस्ट्रप्ट कुछ केमिकल्स जैसे प्लास्टिक्स और फूड से आने वाले पेस्टिसाइड्स ये हॉर्मोन्स पर असर करते हैं नंबर थ्री साइकोलॉजिकल स्ट्रेस एंड स्क्रीन एक्सेस स्क्रीन टाइम स्पेशली सोशल मीडिया और स्ट्रेस ये भी हॉर्मोन्स पर असर करते हैं नंबर फोर इस जेनेटिक्स अगर फैमिली में किसी को अर्ली प्यूबर्टी है तो बच्चों में भी इसका रिस्क रहता है तो पेरेंट्स अगर आप अपने बच्चों को इन कॉम्प्लिकेशन से दूर रखना चाहते हैं तो उनके लिए घर का बना हुआ खाना और एक्टिव लाइफस्टाइल सिलेक्ट कीजिए मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए ईट हेल्दी एंड स्टे फिट